नवाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कुछ लम्हे पहले तक ये फैसला महफूज किया गया था और रिटायर्ड कैप्टन सफदर और मरियम नवाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। खबर आपको दें, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फैसले को महफूज किया गया था, तीन दरख्वास्तें दी गई थी जिन्हें मुस्तरद किया गया और अब यह खबर है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और अब यह अनाउंस किया गया है कि मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कुछ देर पहले यह फैसला महफूज किया गया था जो अब सुना दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रेफरेंसेस दायर किए गए थे, दरख्वास्तें दायर की गई थी कि कार्रवाई को रोका जाए। एक तरफ दरख्वास्त दायर की गई कि फर्द जुर्म आयद नहीं की जाए और एक तरफ तीसरी दरख्वास्त दायर की गई थी कि यकजा किया जाए रेफरेंसेस को, जबकि नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पर अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कुछ लम्हे पहले तक ये फैसला महफूज किया गया था लेकिन अब ताजा तरीन खबर यह है कि नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें कि मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस तमाम कार्रवाई की सरबराही कर रहे हैं, उनकी सरबराही में ये समातें हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था, अब ये फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तीन रेफरेंसेस हैं, एक रेफरेंस है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो कि ऑफशोर कंपनी से रिलेटेड है, इसके साथ साथ अल अजीजिया स्टील मिल्स और इसके साथ साथ एक और रेफरेंस है हिल मेटल के हवाले से। आपको बताएं कि अब इन तीनों रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज सुबह तीन दरख्वास्तें दायर की गई थी, इन तीनों दरख्वास्तों को नैब कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था, वक्फा लिया गया था और इस वक्फे के बाद ये अहम अपडेट सामने आई है कि मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ जो आज अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए, तीन वक्फे लिए गए, समात को मुलतवी किया गया तीन बार और अब फैसला किया गया है कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर, यानी नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज पर फर्द जुर्म आयद की गई है, मियां नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की गई है और मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। इवन फील्ड रेफरेंस में ये फर्द जुर्म आयद की गई है, इन तीनों शख्सियात पर इवन फील्ड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई है। नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सगीर चौधरी से इस पर बात करते हैं। सगीर, बिलाखिर फैसला आ गया और फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई तीनों पर। जी बिल्कुल, आज जो है मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ पर एक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये रेफरेंस जो है वो मेसर फ्लैट यानी लंदन प्रॉपर्टीज के हवाले से है और उसमें इल्जाम जो हैं वो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को पढ़कर सुनाए गए, जबकि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में जो उनका मुकर्रर करदा नुमाइंदा जाफिर खान है उनको इल्जाम पढ़कर सुनाए गए और तीनों ने इल्जाम जो हैं वो मुस्तरद किए, लेकिन इल्जाम जो थे उनको नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से पढ़कर सुनाए गए और अब उस इल्जाम की शीट पर, फर्द जुर्म की शीट पर बाकायदा तीनों से अलग अलग दस्तखत भी करवा लिए गए हैं। मरियम नवाज से अलग जो है वो इल्जाम पढ़कर सुनाए और उस पर अलग से फर्द जुर्म आयद की गई, कैप्टन सफदर पर अलग से फर्द जुर्म आयद हुई और नवाज शरीफ पर उनके नुमाइंदे जाफिर खान की, जो जाफिर खान है उनकी जगह जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई। तो इस तरह तीनों पर अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। एक लंदन फ्लैट है जिसपे रेफरेंस दायर हुआ था और उसमें अब